अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मईशत की बहाली और अवामी खुशहाली के लिए वसायल के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए इज्तिमाई दानिश को बुरेकार लाते हुए पायदार फैसले करने हैं। विफाकी हुकूमत अहम फैसलों में सूबों और स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाएगी। ज़राअत और दीगर शोबों से मुतालिक सूबों की तजावीज़ को प्लान में शामिल किया जाए। वज़ीरे आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की माशी अहदाफ और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर अमल दरामद की मंजूरी। फोरम को इक्तिसादी सूरत हाल और सालाना तरक्याती मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में 13वें 5 साला तरक्याती मंसूबे की मंजूरी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल को जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए कमेटी कायम। दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा अंजाम देने वाले बहादुर सबूतों को कौम का सलाम। लकी मरवत धमाके में जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास अबाई इलाके चूनिया में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, अस्करी और सिविल हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जश्न खाकी को कंधा दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास के वालिदैन से मुलाकात। नडर सपूत को बेमिसाल कुर्बानी पर खराज अकीदत। शहदा की कुर्बानियां रायगढ़ नहीं जाएंगी, अर्ज़ पाक से दहशत गर्दों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। गाँव का नाम शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास से मनसूब और मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। दुश्मन अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जरूर कामयाब होगी। एक नाम निहाद लीडर ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। 32 मुआहदों पर दस्तखत हुए। सीपैक की अपग्रेडेशन से माशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तार। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 1.5% कमी का फैसला। 22% से कम करके 20.5% मुकर्रर। महंगाई में खातिर खा कमी। मई के महीने का आउटटर्न तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर रहा। हुकूमत की 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा गए। एक्स मिल्स चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। चीनी के स्टॉक की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। काश्तकारों को तमाम ज़ेर इल्तवा अदायगियां तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फौज की गजा रफा और खान यूनस समेत मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 218 जख्मी। जंग बंदी की नई तजावीज पर हिमायत के लिए अमरीकी वजीर खारजा का मशरक वस्ता का दौरा। एंटनी ब्लिंकन की काहिरा में सदर अब्दुल फतेह सीसी से मुलाकात। अमरीका का सलामती काउंसिल से गजा जंग बंदी माहदे पर वोटिंग का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। मावराय अदालत कत्ल, गिरफ्तारियां, अमलाक की जब्तगी और मुलाजमीन की बरतरफी मामूल बन गई। हुर्रियत कारकुनों और रहनुमाओं से जेलों में नारवा सलूक। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानी हकूक की तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मोदी के वजारत उज़्मा का हलफ उठाते ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू। मकबूजा कश्मीर के जिला रियासी में बस पर फायरिंग, 10 यात्री हलाक, 33 जख्मी।
भारत के अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी हुकूमत का पुराना वतीरा। यूरोपीय यूनियन के पार्लियामानी इंतखाबात, इंतहाई दाएं बाजू की जमातों की फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली में वाज़ेह कामयाबी, जर्मनी और नीदरलैंड्स में अच्छी पोजीशन, फ्रांस में पार्लियामेंट तहलील, सदर इमैनुअल मैक्रों का मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन का पहला मरहला 30 जून जबकि दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। ईरान में 28 जून के सदारती इंतखाब की तैयारियां, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ समेत 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी, साबिक सदर महमूद अहमदी नयाद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की तलाश, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी में इजाफा, खूबसूरत और सेहतमंद बैल बकरे मंडियों की जीरत, खरीदारी के लिए भाव तो, गाहकों और व्यापारियों का मुनासिब रेट न मिलने का शिकवा। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कल एक मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान तीसरा मैच कल कनाडा के खिलाफ खेलेगा, मैच शाम 7:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराहे रास्त। और T20 वर्ल्ड कप ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश न्यूयॉर्क में मध्य मुकाबल, मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराहे रास्त। अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने टाइटल जीत लिया, ताशकंद में इवेंट के फाइनल में कौमी टीम की ईरान के खिलाफ 3-1 से कामयाबी। और फ्रेंच ओपन टेनिस, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ग्रैंड स्लैम जीत लिया, फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को शिकस्त। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें इक्तसादी सूरत हाल और सालाना तरक्याती मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की तरक्की, माशी बहाली और आवाम की खुशहाली के लिए हुकूमत दस्तियाब वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाएगी और इज्तिमाई दानिश बुरेकार लाते हुए सूबों से मिलकर फैसले किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत मईशत से मुतालिक तमाम अहम फैसलों में सूबों और स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाएगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यकीनी बनाया जाए कि ज़राअत समेत दीगर शोबों में सूबों की तजावीज़ को प्लान में शामिल किया जाए। उन्होंने कौमी इक्तसादी कौंसिल को जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए कमेटी कायम करने की भी हिदायत की। कौमी इक्तसादी कौंसिल ने माशी अदाफ और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की अशात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की मंजूरी दी। इजलास 13वें 5 साल तरक्याती मनसूबे की भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत पसमानदा इलाकों की तरक्की, बरामदात में इजाफे, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनअतों के फ़रोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़, गुरबत में कमी, नॉलेज इकानमी की तरक्की और मौसमी तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए लाहे अमल शामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मादर वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सबूतों की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। अर्ज़े पाक से दहशतगर्दों को खत्म करके ही दम लेंगे, तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। लकी मरवत में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास को उनके आबाई इलाके में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चूनिया में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा में शिरकत की। वफाकी वजीर इत्तला'आत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के जज़्बे खाकी को कंधा दिया और तदफीन में शिरकत की।
शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास समेत 7 जवानों ने 9 जून को लकी मरवत में बारूदी सुरंग के धमाके में जामे शहादत नोश किया। शहीद मोहम्मद फराज अलियास को पाक फौज के दस्ते की जानिब से गन सलूट और सलामी पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास की कब्र पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के एसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास के वालदैन और दीगर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके बेटे की अजीम कुर्बानी पर उन्हें सलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास के आबाई गांव का नाम शहीद से मंसूब करने का ऐलान किया। उन्होंने गांव को मॉडल विलेज बनाने की भी हिदायत की। शहीद के लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की ऐसी मज़मूम कार्रवाइयां इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के हमारे अज़्म को गैर मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये अजीम कुर्बानी आपके साहबज़ादे की कैप्टन फराज अलियास की ये रहेगा नहीं जाएगी, मैं आपको बताऊं। ये इंशाल्लाह ये खून ये जोर रंग लाएगा और ये मुल्क के लिए जो उन्होंने अपनी जान पेश की है इन्होंने और दूसरे साथ दूसरे जवानों ने और इस तरह और हमारे इस माजी में हज़ारों अफसरों जवानों ने जो अपनी जानें पेश की हैं और शहादत का जाम नोश किया, ये खून रहेगा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। इस हवाले से बड़ी खुश नसीब है कि आपके बेटे ने शहादत का जाम नोश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का अयादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों के नडर जवानों के साथ खड़ी है। अर्ज़े पाक से दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। लकी मरवत में धमाके में शहीद होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की नमाज जनाजा बनू कैंट में भी अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुकाम और लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इसके बाद शहदा के जसद खाक की तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। वज़ीर इत्तला अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि दुश्मन अनासर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जरूर कामयाब होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के तारीखी दौरा चीन के समरात जल्द आवाम तक पहुंचेंगे। सी पैक की अपग्रेडेशन से माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मजीद तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। वफाकी वज़ीर इत्तला नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन का दौरा तारीखी था। इसमें वो मौजूआत भी जेर बहस आए जो पहले कभी नहीं आए। उन्होंने कहा कि सी पैक अपग्रेडेशन के मामलात को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, इससे दोनों मुल्कों की आवाम को फायदा पहुंचेगा। ये पाक चीन दोस्ती के अंदर एक नई जहत है और एक नए दौर का आगाज है। प्रेसिडेंट शी के साथ 3.25 घंटे जो है वो मीटिंग जारी रही। उनके सदर ने, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सी पैक को अपग्रेड करने की बात की। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं समझता हूँ कि एक हमारी लाइफ लाइन है और पाकिस्तान के अंदर मौशी तरक्की के हवाले से, मौशी इस्तेकाम के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, महंगाई को कम करने के हवाले से, तजारत के हवाले से उसकी बहुत अहमियत है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान का भारी अक्सरियत से सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब होना बहुत बड़ी कामयाबी है। तमाम माशी इशारे मुस्बत हैं। पाकिस्तान की IT बरामदाद में इजाफा और तजारती खसारे में कमी हुई है, महंगाई कम हो रही है और रुपया मुस्तहकम हुआ है। हाईएस्ट हमारी इस वक्त IT एक्सपोर्ट्स हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है पाकिस्तान का। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 4 अरब डॉलर हुआ करते थे, अब वो देखें कि वो 14 अरब डॉलर क्रॉस कर गए हैं। तो आपको हर सेक्टर में वो रुपए की कदर हो वो मुस्तहकम है। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पूरी दुनिया देखती है कि एक संजीदा हुकूमत है जिसने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, महंगाई में कमी वाकई हुई है,
पेट्रोल की कीमत कम हुई है। ये बड़ी संजीदा कोशिशें हैं जिनके नतीजे में ये इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि अमन और तरक्की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हजम नहीं हो रही, दुश्मनों के मजमूम अजायम कामयाब नहीं होने देंगे, चीन के सिक्योरिटी खदशात दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने वाजे किया कि कोई भी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़िर, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार आज से उर्दन का दो रोज़ा दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक इसहाक़ डार गज़ा की सूरत हाल से मुतालिक आला सतह कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। गज़ा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का अहतमाम उर्दन के शाह अब्दुल्ला, मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल-सीसी और अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस मुश्तरक तौर पर कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद गज़ा में इंसानी सूरत हाल पर मुश्तरक रद्दअमल वज़ा करना है। दौरे में वज़ीर खारजा मोहम्मद इसहाक़ डार के मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसबों से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 1.5% कमी का ऐलान किया है, जिसके बाद पॉलिसी रेट 20.5% पर आ गया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में कमेटी ने पॉलिसी रेट को 150 बेसिस पॉइंट्स कम करते हुए 20.5% करने का फैसला किया है। कमेटी ने फरवरी से किए जाने वाले मुशाहिदे में ये बात नोट की कि महंगाई में कमी आदादो शुमार के लिहाज से तवक्कात से बढ़कर हुई है, जिसकी वजह से पॉलिसी रेट में भी कमी की जा रही है। स्टेट बैंक के जारी करदा ऐलामिये के मुताबिक माली साल 2024 में हकीकी GDP नमो 2.4% पर मुतदिल रही, जबकि जारी खाते के खसारे में कमी से जरे मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक का कहना है कि हुकूमत का तौसीई सहूलत फंड प्रोग्राम भी मईशत के लिए मुआविन साबित हो रहा है, जिसके बाएं शरह सूद में कमी की जा रही है। दूसरी जानिब माशी तज़ियाकार भी महंगाई को काबू करने के साथ साथ हुकूमत के सरमायाकाराना दोस्त इकदामात और अब पॉलिसी रेट में कमी को मईशत के लिए निहायत सूदमंद करार दे रहे हैं। जबरदस्त अनथक कोशिशों की वजह से आज करेंसी स्टेबल हो गई है और यही वजह है कि इन्फ्लेशन 11.8% पर घटकर आ गया, जो एक वक्त में 39% हो गया था। तो हुकूमत की जबरदस्त कोशिशें हैं और जारी और सारी हैं, इससे मईशत का जो पहिया स्लो हो गया था उसमें उसके चलने में इजाफा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तरक्की होगी और लोगों के रोजगार के मौके पैदा होंगे। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, विफाक एवानहाय बराए सनत व तिजारत और दीगर ताजिर तंजीमों ने मरकजी बैंक के इकदाम को सराहते हुए इसे आइंदा दिनों में मईशत के लिए साजगार कदम करार दिया है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी से ऑस्ट्रिया के लिए नामजद सफीर मोहम्मद कामरान अख्तर ने ईवान सदर में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलिकत ने नामजद सफीर पर जोर दिया कि वह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को वसअत देने के लिए तमाम तवानाइयां बरूए कार लाए। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जान ने भी सदर ममलिकत से मुलाकात की और इदारे की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। हुकूमत ने 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत दे दी है। सनअत और पैदावार के वजीर राना तमीर हुसैन की सदारत में शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए। वफाकी वजीर ने कहा कि चीनी के स्टॉक की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा, एक्स मिल रेट पर किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि काश्तकारों की तमाम ज़ेरे इल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की कीमतों और मार्केट के इस्तेहकाम का 15 दिन में दोबारा जायजा लेगा। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल खान की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें दौरे चीन में तय पाने वाले उमूर का जायजा लिया गया। सरमायाकारी और मुआसरात के वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि दौरे चीन में सरमायाकारों और बिजनेस कम्युनिटी से मुफीद मुलाकातें हुई। तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए तमाम इकदाम यकीनी बनाए जाएँ। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनी इसके साथ मामलों को आगे बढ़ाने के लिए वजारत तजारत और सरमायाकारी बोर्ड वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चीन के मुख्तलिफ शहरों में बिजनेस डेस्क भी कायम करेगा। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए खसूसी सहूलत कौंसिल की पॉलिसी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को फ़रोग मिला है और आलमी इदारे भी इसके मोतरफ हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता अप्रैल के मुकाबले में रवां साल अप्रैल में IT बरामदात में 62.3% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। IT का शोबा SIFC के तरजीही शोबों में से एक है। इस शोबे की बरामदात में इजाफे की अहम वजह सालाना 25,000 से ज़्यादा IT ग्रेजुएट्स और फ्रीलांसर्स की एक बड़ी तादाद है। पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ से सूबाई मुहतसिब आज़म सलेमान खान ने
लाहौर में मुलाकात की और इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने इंतजामी उमूर और बेहतर नज़्म व नस्क समेत सरकारी महकमों से मुतालिक शिकायत के इजाले के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू की। वज़ीरे आला ने कहा कि आवाम को रिलीफ की फरहमी और मसाइल का हल हुकूमत की तरजीह है, खिदमात का मयार बेहतर करने के लिए इकदाम जारी हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध में महकमा उमूर तवानाई और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात की। बिलावल हाउस में होने वाली इस मुलाकात में सूबाई वजीर ने अपनी वजारतों की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हज इंतजामात का जायजा लेने के लिए वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन मक्का मुकर्रमा पहुंचे हैं। वजारत मजहबी उमूर सरकारी आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी के अलावा निजी स्कीम के तहत आने वालों की शिकायत का इजाला भी कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। पाकिस्तान हज मिशन न सिर्फ सरकारी आज़मीन हज की खिदमत में मसरूफ अमल है बल्कि निजी हज टूर ऑपरेटर्स के जरिए आने वाले आज़मीन कराम की शिकायत का अजाला भी किया जा रहा है। निजी स्कीम के तहत आने वाले आज़मीन हज के साथ माहिदे की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 70 लाख रुपए मौके पर आज़मीन हज को वापस कराए गए। हुज्जाज के एक शिकायत को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिविजुअल हज एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें उन्होंने डिस्टेंस बहुत कम उनके साथ कमिट किया था। हमारा मेन फोकस है कि हज को हम इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करें। शटल सर्विसेज इंश्योर किए हैं कि उनको हर 20 मिनट पे वो 3 बसेस राउंड द क्लॉक चलेगी और वो हुज्जाज को लेके जाएंगे। पाकिस्तान हज मिशन की मॉनिटरिंग टीम ने मजमूई तौर पर 616 निजी टूर ऑपरेटर्स की मॉनिटरिंग मुकम्मल करते हुए मौसूल होने वाली 92 शिकायत का फौरी अजाला किया। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से अल्लाह के मेहमानों को माहिदे के मुताबिक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दौरान हज और हज के बाद मॉनिटरिंग का अमल जारी रहेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मक्का मुकर्रमा। वज़ीरे तवानाई अवैस लगारी ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए सूबों को विफाक के साथ मिलकर काम करना होगा। जिस फीडर पर बिजली की चोरी हो रही है वहां लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली चोरी में तकसीम कार कंपनीज का अमला भी मुलव्वस है। तवज्जो दिलाओ इस पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीरे तवानाई अवैस लगारी ने ईवान को बताया कि बिजली की तकसीम कार कंपनीज खसारे में हैं, बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। एक और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर आबी वसाइल के वजीर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि पानी की तकसीम तमाम सूबों की मुशावरत से होती है। इस हवाले से इरसा का फॉरम मौजूद है। इस वक्त पानी की कोई किल्लत नहीं, सूबों को कोटे के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है। वक्फ़ सवालात में वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने बताया कि PIA के निजकारी का अमल कानून के मुताबिक जारी है। PIA 800 अरब के खसारे में है। PIA के निजकारी अगस्त तक मुकम्मल कर ली जाएगी, ताहम PIA के असासों की निजकारी नहीं की जा रही। वजीर सनत और तिजारत जाम कमाल ने बताया कि हुकूमती इदारे गंदम दरामद नहीं करते, निजी इदारे गंदम दरामद करते हैं। विफाक में पास्को का इदारा गंदम की खरीदारी करता है। वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक ने बताया कि FPR के टैक्स जमा करने के निज़ाम को मजीद बेहतर और शफाफ बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का अरसरे नौ जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि FPR ने काफ़ी हद तक टैक्स अहदाफ को पूरा कर लिया है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, पाकिस्तान पोस्टल सर्विसज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी बिल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिए गए। बिल ऐवान में वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट को बताया है कि प्लास्टिक माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह बनकर सामने आया है। मुल्क से प्लास्टिक बोतलों को मरहलावार ख़त्म किया जा रहा है और जुलाई 2028 के बाद से इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर कानून ने कहा कि इस्लामाबाद के हदूद में तमाम सरकारी दफातर को हिदायत जारी की गई है कि प्लास्टिक बोतलों में पानी के बजाय जग ग्लास के जरिए पानी फराहम किया जाए। इस हवाले से कानून भी बन चुका है। गुज़िश्ता इजलास में पैनल ऑफ चेयर की रुकन सेनेटर परविशा खान ईवान की कार्रवाई चलाने से मुतालिक चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने रूलिंग देते हुए कहा कि इस हवाले से कवायद व जवाबित की खिलाफवर्जी नहीं हुई, मामला गलत फहमी का नतीजा था। इजलास में सेनेटर शेरी रहमान ने कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से तहरीक पेश की जिसकी ईवान ने मुतफक्का मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कायदे ईवान और कायदे हिजब इख्तलाफ मिल बैठे ताकि कायमा कमेटियों की जल्द तश्कील मुमकिन हो सके। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि अपोजिशन ने इस हवाले से अपने नाम फराहम कर दिए हैं और कमेटियों की तश्कील पर 95% इतफाक हो चुका है। कायदे ईवान के बैरून मुल्क से वापसी पर बाकी अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर CDA की जानिब से अपोजिशन लीडर के इस्लामाबाद में घर के खिलाफ कार्रवाई की है तो इसकी मजम्मत करते हैं। ये मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवाना चाहिए।
ईवान में आज निजी कार्रवाई का दिन था। ईवान में मजबूत तौर पर 9 कानूनी बिल पेश किए गए, जिन्हें मुतल्लिका कायमा कमेटियों के सुपुर्द कर दिया गया। सेनेट इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नाजरीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में अजान इशा का वक्त हुआ चाहता है, आइए सुने की सारत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को भारत के वज़ीर आज़म का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी है। समाजी राबते की वेबसाइट पर वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। भारतीय वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद के पैगाम पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। गजा, रफा और खान यूनस समेत मुतअद्दिद इलाकों के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर इसराइल की बमबारी न रुक सकी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में 24 घंटे के दौरान मजीद 40 फलस्तीनी शहीद जबकि 218 जख्मी हो गए। हमलों के दौरान अब तक 37,124 फलस्तीनी शहीद और 84,712 जख्मी हो चुके हैं। खान यूनस के करीब एक घर पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 8 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जिनमें शीरखार बच्चे भी शामिल हैं। उधर मकूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज के मजालिम न थम सके। फारे कैंप और तिलकरम में पुरतशद्दद कार्रवाइयों में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 30 बेगुनाह फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जबर के दौरान अक्टूबर से लेकर अब तक 530 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं जबकि 9,000 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 40% से ज़्यादा बगैर किसी इल्ज़ाम के कैद हैं। अमरीका ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से गजा में जंगबंदी माहदे पर वोटिंग का मुतालबा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकर्रर मुद्दत के बाद जंगबंदी में तौसी की जा सकेगी, ताहम इसमें मुस्तकिल जंगबंदी की बात नहीं की गई। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन मशरक़ वस्ती के दौरे के पहले मरहले में काहिरा पहुंचे हैं, जहाँ उन्होंने मिस्र के सदर अब्दुल फातह सीसी से मुलाकात की है। ब्लिंकन के दौरे का मकसद जंगबंदी माहदे को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुतलिका फरीकों से बातचीत करके उसे हतमी शक्ल देना है। उधर गैर कानूनी तौर पर भारत के जेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में सिविल सोसाइटी के अरकान ने दफा 370 और 35A की फौरी बहाली और तनाज़े कश्मीर के हल पर जोर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक डॉक्टर जुबैर अहमद, मोहम्मद फरकान, मोहम्मद इकबाल शाहीन और सैयद हैदर हुसैन समेत सिविल सोसाइटी के अरकान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम की उनके बुनियादी इंसानी हकूक से मुसलसल महरूमी को उजागर किया। उन्होंने बेगुनाह कश्मीरियों की गिरफ्तारी उन्होंने मुसलसल नज़रबंद रखने के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कानून के इस्तेमाल की भी मजम्मत की। भारतीय हिजब इख्तलाफ ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर में क्याम अमन और सूरत हाल मामूर पर आने के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है।
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमन अमान से मुतालिक दावों की कलई खोल दी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों से अपनी दुश्मनी जारी रखते हुए मुसलसल तीसरी मरतबा बरसरे इक्तदार आने के बाद अपनी काबीना में किसी मुसलमान वजीर को शामिल नहीं किया। मुसलमानों में जो भारत की मजमू आबादी का 20% है, मोदी हुकूमत के इस फैसले से शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। दूसरी जानब सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर मुंतखब हो गए हैं, जबकि एडवोकेट परवेज़ अहमद जनरल सेक्रेटरी और मुश्ताक अहमद भट्ट इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। इस्लामाबाद में होने वाले इंतखाबात में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तमाम इकाइयों ने हिस्सा लिया। मोदी के वजारत उज़्मा का हल्फ उठाते ही खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों का भी आगाज हो गया है। मोदी ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और हिंदू यात्रियों को कत्ल करके पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का मंसूबा बना दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला रियासी में हिंदू यात्रियों की बस पर फायरिंग के नतीजे में 10 यात्री हलाक जबकि 33 के करीब जख्मी हो गए। नरेंद्र मोदी अब मुमकिन तौर पर इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम भी पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश करेगा। मोदी अपनी कमजोर हुकूमत के कदम जमाने और भारत के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाएगा। उधर तहरीके खालिस्तान में नई रूप फूंकने वाले हरदीप सिंह निजर के कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल को एक साल मुकम्मल होने पर अल जजीरा टीवी ने एक दस्तावेजी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की अकलियतें गैर मुल्की सरजमीन पर भी गैर महफूज हैं। दस्तावेजी रिपोर्ट से यह साबित होता है कि मोदी सरकार मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और दीगर कम्युनिटीज के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर ने अपनी जिंदगी सिखों के लिए अलग रियासत के क्याम के लिए वक्फ कर दी थी। हरदीप सिंह निज्जर को कैनेडियन सरजमीन पर संगीन खतरात लाहक थे। भारतीय एजेंसियां मुसलसल उन्हें और दीगर खालिस्तानी रहनुमाओं की जान से मारने की धमकियां देती रहीं। 18 जून 2023 को अपने कत्ल से कबल हरदीप सिंह निज्जर ने सिख कम्युनिटी से खिताब में कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार भारतीय हुकूमत होगी। अल जजीरा चैनल की जानिब से जारी दस्तावेजी शवाहिद में वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि एक गाड़ी से दो अफराद निकले और उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर पर गोलियां बरसा दी। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल को एक साल मुकम्मल होने पर कैनेडियन दारुल हुकूमत वैनकोवर में 50,000 से ज्यादा अफराद इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। रैली में शरीक हरदीप सिंह के बेटे ने कहा कि मुझे अपने वालिद के लिए इंसाफ चाहिए और मैं जिम्मेदारान के कड़े एहतसाब का मुंतजर हूँ। रुकन कैनेडियन पार्लियामेंट जगमीत सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सच को दबाना चाहती है मगर इनकी ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान पाक चीन ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का इयादा किया गया। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा नमूद मुस्लिम से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान चीनी मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली सहाफी तबस्सुम ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन की अहमियत और उससे हासिल होने वाले समरात पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और एक वफ्द जो था वो चाइना गया और चीन के मुख्तलिफ रीजन में उन्होंने विजिट किया, प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई और जो पार्टी सरबराह हैं उनसे मुलाकात हुई। बीइंग अ मीडिया पर्सन जर्नलिस्ट, कैसे देखते हैं इस दौरे को? ये जो पाकिस्तान की नई हुकूमत तश्कील होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से पहला दौरा चीन था। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ शुबों में MOU पर दस्तखत किए गए हैं। चाइना मीडिया ग्रुप और पाकिस्तान के स्टेट मीडिया PTV के दरमियान एक MOU भी दोनों ममालिक के रहनुमाओं की मौजूदगी में दस्तखत दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस दौरे से मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान ये जो मुख्तलिफ शुबों में दावों को मजीद मजबूत बनाया जाएगा और साथ साथ हमारे दरमियान ये जो जिंबा दोस्ती है मजीद गहराई तक लाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस दौरे से CPEC की जो आला मियार की तरक्की को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। प्रिंस रहीम आगा खान ने हुंजा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया। ये पार्क आगा खान फाउंडेशन ने स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के खित्ते की पायदार तरक्की के लिए हुंजा के इलाके नसीराबाद में कायम किया है। टेक्नोलॉजी पार्क बिला तातुल बिजली की फ्राहमी और तेज़ रफ्तार इंटरनेट के जरिए स्टार्टअप्स और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को तमाम सहूलियात से लैस करने की जगह फ्राहम करेगा। नसीराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क फ्रीलांस कारोबार के फ़रोग के अलावा फासदाती तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप, करियर काउंसलिंग और डिजिटल महारतों की तरक्की में भी मददगार साबित होगा। वादी अरीबा में पाक फौज के ज़रिए अहतमाम सजाया गया दो रोज़ा सियाहती मेला इख्तिताम पज़ीर हो गया। तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाके कुदरती हुस्नों जमाल से मालामाल वादी लीपा के दामन में पाक फौज की जानब से सजाए गए सियाहती मेले में मकामी अफराद और सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ सयाहों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब के दौरान आजाद कश्मीर के वजीर तालीम दीवान अली खान चुगताई ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम दिलो जान से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और मुल्क की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना है। तकरीब से खिताब के दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग 12 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद इरफान ने कहा कि पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के दूर अफ्तादा इलाकों में तालीम और सेहत के साथ साथ नौजवानों के लिए तफरीही सरगर्मियों के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। मेले में मुख्तलिफ महकमा जात के साथ साथ कश्मीर के मुनफरिद सकाफती रंगों को नुमाया करते स्टॉल्स भी लगाए गए थे। बच्चों की तफरी का सामान भी मौजूद था। इस मौके पर घुड़सवारों ने करतब से भरपूर जोहर दिखाए। रवायती मकामी खेलों ने हाजरीन के दिलों को गरमाया और इस पर पुलिस बैंड ने भी खूब समा बांधा। लोगों को वादी लीपा देखने का शौक महसूस होगा। लोग यहाँ पे खूबसूरत वादियों को देखने के लिए आएंगे और जब लोग यहाँ पे आएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है जो यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यहाँ की टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ के कल्चर की प्रमोशन के लिए इंतहाई जरूरी है। मैं आर्मी और एसईओ का ही थैंक यू बोलूंगी उनको कि वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि लीपा कितनी एक खूबसूरत वैली है और इसमें कितनी नेचुरल ब्यूटी है। वादी लीपा के पुरफजा मकाम पर मकामी फनकारों ने लोक धुनों, मकामी गीतों और मिली नगमों पर सुर बखेरे और शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रहीं। इस किस्म की सरगर्मियों से सियाहत और सकाफत के फरोग के साथ साथ मईशत पर भी मस्बत असरात मरतब होते हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, वादी लीपा, जिला जहलम वैली, आजाद कश्मीर। सेनेट की हाउस कमेटी का अजलास डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी ने पार्लियामेंट लॉजिस में अराकीन पार्लियामेंट को दरपेश मसाइल का तफसील से जायजा लिया। कमेटी अरकान ने आगाह किया कि पार्लियामेंट लॉजिस के नए ब्लॉक्स पर तामीराती काम रुका हुआ है और इसकी वजह से लागत में बहुत इजाफा हो चुका है। अराकीन कमेटी ने कहा कि लॉजिस के तजीनों आरइश और दीगर मुतलिका बुनियादी मसाइल के हवाले से मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार राना तनवीर हुसैन से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई और सनअती तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के माशी और अमन अमान के मसाइल हल करने में मदद देगी। गवर्नर ने कहा कि वाफिर वसाइल के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा मुल्की तरक्की की दौड़ में पीछे है। हमें ज़रई और सनअती तरक्की में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके अवामी मसाइल हल करना होंगे। वज़ीर आला गुलबर्ग खान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में प्रिंस करीम आगा खान और उनके खानदान का नुमाया किरदार रहा है। गिलगित में प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलाके में आगा खान के तरक्याती नेटवर्क के तहत जारी मनसूबों को वसत देने की जरूरत है ताकि सेहत और तालीम जैसे बुनियादी मसाइल हल हों और आवाम का मयार जिंदगी बेहतर हो। इस मौके पर प्रिंस रहीम आगा खान ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शोबों की तरक्की और बैनुल अक़वामी सियाहत के फरोग के हवाले से किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए एहतमाम सियाहती सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। तफसील बता रही हैं कंसा नकवी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से सियाहत के जरिए कौमी मईशत की तामीर पर दो रोज़ा सिंपोजियम का एहतमाम किया जा रहा है। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियाहत हकूमती तरजीहात में शामिल है। टूरिज्म का रिवाइवल पाकिस्तान की इकोनॉमी का रिवाइवल है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो एक्चुअल इमेज है हमारा, वो दुनिया के सामने आज लाने का वक्त आ चुका हुआ है। सलाम पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर लेके जाना चाहते हैं। बी पार्टनर विद अस। एमडी पीटीडीसी आफताबुर रहमान राणा ने कहा कि सियाहती शोबे से मुतालिक सनत की पायादार तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। जब से नई गवर्नमेंट आई है मियां शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने इसको अपने एजेंडा पे रखा है कि हमने पाकिस्तान में सैर व सियाहत के शोबा को तरक्की देनी है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही है, इसका थीम भी ये है कि बिल्डिंग नेशनल इकोनॉमी थ्रू टूरिज्म। एक्सपो में तमाम सूबों समेत सियाहती शोबे से ताल्लुक रखने वाली 28 कंपनियों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस तरह के इवेंट्स होने से हमें मॉरली, एथिकली और नॉलेज बेस्ड बहुत अच्छे इन्वायरमेंट मिला है।
और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सिलसिला आगे चलता रहेगा। पाकिस्तान की यूथ इस सेक्टर में आके एजुकेशन लेती है तो मैं समझता हूँ कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए दुनिया को, लेकिन हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहिए। पाकिस्तान एशिया में नहीं बल्कि दुनिया में बहुत चंद यूनिक डेस्टिनेशन में से है। एक कौम की हैसियत से इसको हम सही तरह अभी तक प्रमोट नहीं कर पाए। सिंपोजियम के शुरका ने कहा कि मौसर हिकमत अमली और बुनियादी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाकर सियाहती शोबे को फरोग दिया जा सकता है। सियाहती शोबे को फरोग देकर न सिर्फ हम खतीर ज़रा मुबादला कमा सकते हैं बल्कि रोजगार के बेहतरीन मौके भी पैदा कर सकते हैं। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने खैरपुर में कायम BISP सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर रुबीना खालिद ने कहा कि मुख्तलिफ सेंटर्स पर रकम की कटौती की शिकायत मौसूल हुई हैं, कटौती करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुबीना खालिद ने कहा कि BISP का एक अहम काम खवातीन और बच्चों को रोजगार फराहम करना है। BISP प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने सखर के मुख्तलिफ सेंटर्स का भी दौरा किया और BISP के तहत दी जाने वाली इमदादी रकूम की फराहमी का जायजा लिया। रुबीना खालिद ने बाद सेंटर्स में बद इंतजामी की शिकायत पर इंतजामिया की सरजनिश की। उन्होंने हिदायत की कि आवाम को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए खसूसी मुहिम जोरों शोर से जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से मौसमुद्दीन। शहरी खाने पीने सौदा सल्फ कपड़े और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया लाने और ले जाने के लिए पॉलीथीन के शॉपिंग बैग्स का बेदरक इस्तेमाल करते हैं जो माहौलियाती मसाइल के अलावा इंसानी सेहत ज़रात और जंगली हयात के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे में प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए से नो टू प्लास्टिक मुहिम कामयाबी से जारी है, जिसके दौरान गैर कानूनी प्लास्टिक बैग्स की तैयारी तरसील और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के लिए मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। होटलों रेस्टोरेंट और दीगर फूड पॉइंट्स पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग्स में खाने देने पर सख्त पाबंदी है। मुहिम के दौरान सूबे भर में 4,799 मुकामात पर छापे मारे गए। सिर्फ लाहौर शहर में 694 छापों के दौरान 771 किलो प्लास्टिक बैग्स को दुकानों से उठाया गया। माहौलियात मजिस्ट्रेट की अदालत में जिम्मेदारों के खिलाफ चलान भी जमा कराए जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग पे पाबंदी लगाई है, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। उससे ये कि एनवायरनमेंट की पॉल्यूशन कंट्रोल हो रही है, तो एक अच्छा जो है ना कदम है गवर्नमेंट की तरफ से, इसे प्रमोट करना चाहिए। माहौल के लिए हर चीज़ के लिए नुकसानदेह है। गवर्नमेंट ने जो ये पाबंदी लगाई है ये अच्छी है। मॉल्स हैं, कुछ बेकरीज हैं, उन्होंने इस चीज़ पे काम किया होगा, तो अच्छी बात है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, मगर जब तक हम लोग प्रॉपर एजुकेट नहीं होंगे ना इस चीज़ पे अमल करना बहुत मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। महकमे माहौलियात के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर कार्रवाई की गई। प्लास्टिक के अदम इस्तेमाल पर आवाम के लिए प्लास्टिक मौत है के मौजू पर आगाही मुहिम भी जारी है। तारीख में पहली मरतबा पंजाब की तमाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लाइशों के लिए बायोग्रेडेबल बैग्स इस्तेमाल करेंगी। मौजमुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। रिपोर्ट कर रही हैं वरदा सलीम। ईद एसार के दिन करीब आ रहे हैं, खरीदार मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। लाहौर में भी मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से सज गई हैं। दूरदराज इलाकों से लाए गए छोटे बड़े जानवरों ने मंडियों की रौनकें बहाल कर दी हैं। शाहपुर कांजरा समेत शहर के 8 मुख्तलिफ इलाकों में लगाई गई मंडियों में बकरे दुम्बे बैल गायें छतरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। ये नायाब ब्रीड है इसलिए जो है इनकी कीमत ज्यादा होती है। खरीदारों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जानवरों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई अपनी जगह, लेकिन जानवर तो खरीदना है। हमने जो है ना एक बड़ा जानवर भी ले लिया है और एक छोटा जानवर भी लिया है, और बाकी और भी हमारा प्लान है कि एक और बड़ा जानवर लेना है, वो हम देख रहे हैं। तो हमने ये जानवर पसंद किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के राह में कुर्बान करेंगे। ज़िला इंतजामिया की जानिब से खरीदारों और व्यापारियों के लिए सहूलतें फराहम की गई हैं। जो जानवर यहाँ पे मूव करते हैं आते हैं, वहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट पे स्प्रे वाला बंदा बैठा हुआ है, वो जानवरों को स्प्रे करता है। जो जानवर अंदर आ जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता उनमें से कोई जानवर बीमार हो जाता है, तो हम यहाँ पे उसको सर्विस देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। मंडियों में जानवरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। जून जो ईद करीब आ रही है, मवेशी मंडियों में ग्राहकों का रश दिखाई दे रहा है और वो अपने मनपसंद जानवर खरीद कर जा रहे हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्तान डिवीजन के मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। तफसील बता रहे हैं फरहान मिर्जा।
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। मजहबी फरीजे की अदायगी को सहल बनाने के लिए मुल्तान डिवीजन में 22 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जबकि जिला मुल्तान में मौजा सामुराना, फातमा जिना टाउन, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में मंडियां फाहाल हैं। जनूबी पंजाब भर से आने वाले जानवरों पर मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर चीचड़मार स्प्रे का सिलसिला भी जारी है। जिले इंतजामिया की जानिब से महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक, रेस्क्यू 1122 और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार अपने फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं। मंडियों के अंदर भी हमारे महकमा के जो टीमें हैं वो स्प्रे कर रही हैं। जो जानवर बीमार हो जाते हैं यहाँ मंडियों में ट्रांसपोर्ट होके आते हैं, कोई कमजोरी की वजह से या कोई नॉर्मल जो हालात में जब ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल आते हैं उनमें बुखार के या कोई छोटे मोटे मसाइल जो होते हैं हमारे पास, वो यहाँ हम उनको हल करते हैं। बकरे, गायें, दुम्बे और ऊंट की खरीदारी पर व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। हमने सुनत इब्राहिमी पूरी करनी है, इसमें जो है ना कोई महंगे और सस्ते की बात नहीं है, आप हिस्सा भी डाल सकते हैं। 40 वाला जानवर होता है पकड़ते हैं, मोल लगाते हैं, 70,000 मांगते हैं, 40,000 लगाते हैं। बकरा होता है 60 वाला, 40 लगाते हैं। 80 वाला बकरा होता है, 50,000 लगाते हैं। मुल्तान मवेशी मंडियों में शहरियों और व्यापारियों की सहूलत के लिए सिक्योरिटी, पार्किंग और जानवरों की वैक्सीनेशन के भी इंतजाम किए गए हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि शहरी बच्चों और बुजुर्गों को मंडियों में लाने से गुरेज करें और जो शहरी मंडियों में आए वो खुले कपड़े का इस्तेमाल करें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और अब ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की अपडेट्स के लिए आपको ले चलते हैं साथी एंकर अनीस की जानिब। ICC T20 वर्ल्ड कप की खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि ICC T20 वर्ल्ड कप के 21वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 114 रन का हदफ दिया है। मैच PTV स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। न्यूयॉर्क में जारी ग्रुप डी के मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 113 रन बनाए। हेनरिक क्लासन ने 46 रन की इनिंग्स खेली जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। दिग्गर बल्लेबाजों में डेविड मिलर 29 और क्विंटन डिकॉक 18 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। बांग्लादेश की जानिब से तंजीम हुसैन ने 3 और तस्कीन अहमद ने 2 विकेट हासिल की। रिशाद हुसैन के हिस्से में 1 विकेट आई। हदफ के ताकू में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है और अब से कुछ देर पहले तक बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए थे। ICC T20 वर्ल्ड कप में कल एक मैच खेला जाएगा। ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान और कनाडा की टीमें न्यूयॉर्क में मद्देमुकाबिल होंगी। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप के अपने इब्तदाई दोनों मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। पहले मैच में अमरीका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। कौमी टीम भारत के खिलाफ भी अपना दूसरा मैच नहीं जीत सकी। PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए भारतीय शायकीन क्रिकेट ने पाकिस्तानी बोलर्स की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बोलर्स की कारकर्दगी शानदार रही। उन्होंने ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अच्छा खेला पाकिस्तान ने, एक्चुअली बिल्कुल बहुत टाइट रखा एंड तक, एंड आई थिंक वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ द टूर्नामेंट। आई नो इट्स अ लिटिल टाइट। पाकिस्तान प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा, पाकिस्तान के प्लेयर्स काफी सही थे, बहुत खेले अच्छी तरह से। दैट इज व्हाई क्रिकेट इज फन एक्चुअली, नो मैटर व्हाट, इट्स इंडिया और पाकिस्तान और एनीथिंग, यू नो इट्स जस्ट फन टू वॉच। दोनों दोस्त हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, मैं तो दोनों को तालियां मार रही थी। दे रियली गुड, द बॉलिंग वाज वेरी वेरी अमेजिंग, टू द पार, अमेजिंग बॉलिंग। इट जस्ट हैड अ बैड लक टुडे बट स्ट्रेटजी वाइज दे वर्कड आउट रियली वेल। बाबर आजम को मैं बस ये बोलूंगा कि हार्ड लक और गुड लक फॉर द नेक्स्ट वंस। इट वाज परफेक्ट एंटरटेनमेंट एंड बोथ टीम्स प्लेड सो वेल एंड वी लव्ड इट। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टर ने कहा है कि हमने भारत के खिलाफ मैच में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, कामयाबी के करीब पहुंचकर हम मैच नहीं जीत सके।
न्यूयॉर्क में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए गैरी क्रिस्टन ने कहा कि पिच मुश्किल जरूर थी, लेकिन 120 रन का हदफ हासिल किया जा सकता था। बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मैच आखिर तक हमारे हाथ में था। 72 रन पर सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। इस सूरत हाल से मैच जीतना चाहिए था। हेड कोच ने कहा कि हमने प्लान पर अमल नहीं किया और कुछ गलत फैसलों की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप की खबरों से इतना ही, और अब मौसम का हाल जानने के लिए आपके लिए चलते हैं अब्दुल कदीर की जानिब। खबर रबे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाजीन, सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार है। लाहौर शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं मुदस्सिर खान अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत सुबह भर में शदीद गर्मी के बायस जहां दफातर और कारोबारी मराकज को जाने वाले लोग परेशान हैं, वहीं दिहाड़ीदार मजदूर की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लाहौर शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री जबकि हवा में नमी का तनासब 24% रिकॉर्ड किया गया। गर्मी बहुत है, सवारी नहीं लगती, ऐनी गर्मी रिक्शा चलाने, चार बच्चे ने मजदूर बंदे दिहाड़ी नहीं बनती, बड़े मजबूर है, बहुत गर्मी है, ऐनी गर्मी की कर सकते। गर्मी बहुत ज्यादा है, देखेंगे बाहर निकलना भी मुहाल हुआ है। धूप इतनी तेज होती है कि बाहर आदमी 2 कदम भी चलता है तो उसे पानी की जरूरत पड़ती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 रोज तक पंजाब में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जिससे दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। 2 से 3 रोज के अंदर कोई बारिश की चांसेस नहीं। पूरे पाकिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा और दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। हीट वेव के पेश नज़र वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं, जबकि हस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम किए गए हैं जहां हीट वेव के शिकार शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि वस्ती जनूबी मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बखर की बात की जाए तो बखर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 46, मोहनजोदड़ो में 45, खैरपुर में 44, जबकि मुल्तान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43, कराची 36, पेशावर में 42, जबकि क्वेटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।